मृतक सीपीआई नेता सुभाष मुंडा के घर भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे और मृतक सुभाष मुंडा के शव पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया। मृतक सुभाष मुंडा के परिवार से मुलाकात करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस घटना के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना काफी दुखदायी है। घटनाक्रम से साफ पता चलता है कि घटना देने वाले अपराधी साधारण नहीं है। इस तरह की हत्या पेशेवर गुंडे ही कर सकते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आए दिन आदिवासी होनहार युवकों पर हमला कर हत्या का मामला देखा जा रहा है। सुभाष मुंडा के कार्यालय में जाकर उनको मारना, ये अपराधियों का दुस्साहस। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस वक्त राज्य की लॉ एंड ऑर्डर तो कितनी बिगड़ी हुई है, उस पर नहीं कहूँगा कि रांची में कितनी रोज हत्याएँ हो रही है, लेकिन ये रुकनी चाहिए। और रुकेगी कैसे? बिना विलम्ब किए अगर उसके आसपास में सीसीटीवी हो तो उसको भी खंगाल ले। और मैं ये कहूँगा कि कम से कम 15-20 दिनों में अगर कोई बातें इनके साथ हुई होगी तो उनके मोबाइल से भी डिटेल्स और वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ी रहस्य मिल जाएगी। और अभी तो हमको लगता है कि जो बातें होती है वो भी सब कुछ ताज़ा ताज़ा मामला है वो निकल जाएगा और फिर अपराधी यहाँ तक पुलिस पहुँच जाएगी और तुरंत पुलिस पकड़ सकती है। तीसरा जो मैंने कहा कि इस प्रकार की हत्या पेशेवर गुंडे ही कर सकते हैं सर, जो इतना हिम्मत करे और अंदर घुस करके गोली चलाना, ये कोई साधारण कोई अपराधी या तुरंत किसी से झगड़ा हुआ और वो कर देगा, ये शायद ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे पहलुओं पर सरकार को या पुलिस प्रशासन को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और बिना विलंब किए, यानी इसको अगर हम कहें तो 48 घंटा 50 घंटा भी इसको अपराधियों को पकड़ लेनी चाहिए। और हमें लगता है कि इस मेथड से जाएगी पुलिस तो निश्चित रूप से पकड़ लेगी, कोई बहुत दिक्कतें नहीं आएगी। सर पकड़े तो जा रहे हैं लेकिन फिर भी अपराध रुक नहीं रहा है, कुछ कड़ी सर कड़ी कार्रवाई की जरूरत मानते हैं? निश्चित रूप से जी, हमने तो बार बार कहा है कि जो दुर्दांत अपराधी है जो जेलों से भी जहां लोग एक्सटॉर्शन करता है वैसे लोगों को बाहर भेजो, और जो इस प्रकार से दिन दहाड़ी हत्या करते हैं रांची जैसे शहर में, और उसमें भी मैंने देख रहा हूँ कि इन दिनों खास करके ट्राइबल जो युवक होते हैं, जो भी होनहार युवक होते हैं, आगे जो बढ़ते हुए जिसको दिखाई पड़ते हैं चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या कोई थोड़ा बहुत बिजनेस में हो, उनको भी देखते हैं रास्ते से लोग तुरंत हटा दे रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो अगर जो होनहार लड़के हो, ट्राइबल लड़के हो, बिजनेस करता हो या किसी पोस्ट पर नौकरी करता, और ऐसे लोगों को अगर इस प्रकार से हत्या हो, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ऐसी हमला है जो कि ट्राइबल फिर आगे नहीं बढ़े, वो पीछे ही रहे।